अस्सलाम वालेकुम गाइस, इट्स मी जीएम अगेन एक ब्रांड न्यू वीडियो में सभी को वेलकम। तो भाई रैंक सीरीज का डे 3 है, आज बीआर रैंक को आए हुए तीसरा दिन हो चुका है। तो आज का गेम प्ले भी एंड लेवल जाने वाला है, क्योंकि इस गेम के अंदर आई हुई थी रीजन की लॉबी पीक के ऊपर हमेशा की तरह कराई है लैंडिंग। ओके, सामने की साइड एक बंदा पड़ा है भाई नॉक, वो तो हमने उसका किल उठा लिया है। दूसरे बंदे को भी थोड़ा सा डैमेज पड़ा था, इस पर रश करते हैं। और ये गया भाई अमेश, ये क्या भाई इंडिया से है क्या? इसका नाम देख के लग रहा था भाई शायद इंडिया से है। दो किल यहाँ पे हम लोगों ने डन कर लिया, 40+ अभी भी अलाइव हैं। और स्क्वाड की थोड़ी सी बात करें तो यहाँ पे अपने पास है अमजद, जो कि काफी तगड़े सर्वाइवर रहे हैं। मैंने काफी सारे गाइस सर्वाइवर्स को ऐड करा था, उनमें से बेस्ट जो लगे हैं मुझे ये अमजद भाई लगे हैं। अब गाइस सर्वाइवर की बात हो रही है तो एक बात मैं बता दूं कि कल एक बच्चा आया छोटा सा, पहले उसने मुझे 2-4 गिफ्ट भेजे हैं गोल्ड वाले के, आप मेरी रिक्वेस्ट उठा लो, मैं आपकी फ्रेंड लिस्ट में हूँ, 1-2 गेम खेलने मैंने आपके साथ। अच्छा, मुझे लगा कोई फैन वगैरह होगा तो भाई मैंने ऐड कर लिया। अब वो बोलते हैं कि मैं आपके लिए सर्वाइव करूंगा तो स्किल लगाऊंगा, स्किल उसने लगा ली और हमारे साथ था अल्ट्रा प्रो की मैच मेकिंग हुई नहीं और हम लोग तीन चले गए थे गेम के अंदर। अच्छा, जैसे ही हम लोग गेम के अंदर गए, हम लोग तीन लोग थे, चौथा बंदा आया नहीं, तो उस बच्चे ने भाई सर्वाइव की जगह पीक के ऊपर लैंडिंग करा दी। मैंने बोला पीक पे लैंडिंग क्यों करा रहे? तो बोलता है मैं तो आपके साथ प्रैंक कर रहा था, मैं तो कोई सर्वाइवर नहीं हूँ। वो पीक पे उतरते साथ ही मर गया और फिर से गालियां देना शुरू हो गया। अच्छा, गालियां दी, हम लोगों ने उसके माइक म्यूट कर दिया। अब जैसे ही लॉबी में आया तो मैंने फ्रेंड लिस्ट से डिलीट कर दिया। अब दूसरे बंदे को पता है क्या जाके बोल रहे हैं कि ये कैसा टिकटॉकर है, इसने मुझे ऐड करके गालियां दी। लो, एक तो गालियां भी खुद दे के चला गया भाई, ऊपर से दूसरों को भी बोल रहे इसने गालियां दी। अच्छा, मैंने जिंदगी में कभी शायद ही किसी को गाली दी मुझे लगता, लेकिन ये बच्चे ने ज्यादती करी है। अगर इस बच्चे का किसी को आता पाता है उसके बाप का नंबर मिल सकता है। ना समझ बच्चे भाई, ना समझ बच्चे, इनसे बहस तो कर ही नहीं सकते क्योंकि जहल लोगों से आप क्या ही बहस करोगे। वो बच्चा है भाई, शुरू हो गया तो हम लोग भाई म्यूट कर गए, उमर भाई थे अपने साथ, तो भाई हम लोगों ने गेम खेली कम्प्लीट करी, इतने किल्स तो नहीं निकले, 6-7 ही करे होंगे। उसके बाद आके मैंने भाई लिस्ट से डिलीट कर दिया। अगर इस तरह को कोई बंदा आके मेरे साथ बोलता है कि मैं सर्वाइव करना चाहता हूँ, भाई ना आए, दूर ही रहो। अच्छा है, ये अमजद भाई काफी अच्छे हैं, अपने लिए सर्वाइव भी कर रहे हैं और जैसा कि मैंने बोला था मुझे एक सर्वाइवर की जरूरत है, तो अमजद भाई मिल चुके हैं। अगर कोई आप रशर आना चाहता है जिसकी भाई 10-12 की केडी हो तो वो आके साथ खेल सकता है, इस तरह के सर्वाइवर नहीं चाहिए भाई, बस हो गई मेरी, खत्म हो गई। अच्छा, काफी ज्यादा देर भाई पीक के ऊपर घूमने के बाद हम लोगों को बंदा मिला नहीं। यहाँ पे M79 लॉन्चर जरूर मिल गया था। M79 लॉन्चर आप लोगों को पता है जब भी भाई को मिलता है किल बहुत ज्यादा होते हैं, तो इस गेम में भी वही M79 लॉन्चर मिल चुके हैं। और चेक करो सामने की साइड दो बंदे लैंड होके आए, एक तो रेड क्रिमिनल है, तो ये मरेंगे भाई गंदे वाला। एक लॉन्चर, चलो क्रिमिनल यहाँ पे नॉक है, रेड वाला नॉक है, एक और गया भाई। जब M79 लॉन्चर GM भाई के पास हो तो जितना दूर रह सकते हो रहा करो। अगर आप लोगों को बैकग्राउंड में थोड़ा सा शोर आ रहा है तो भाई थोड़ा इग्नोर करना है, क्योंकि बैकग्राउंड में फैमिली इश्यूज की वजह से मैं वीडियो भी लेट आ रही है, वरना पहले ही अपलोड कर देता इसको। तो गाइस यहाँ पे हमारे किल्स की तादाद जो है ना वो 4 हो चुकी है और एक बंदा काफी टाइम से भाई पीक की छत से हम लोगों को फायर दे रहा था और तंग कर रहा था। स्कार 3 चिप है तो यहाँ से भाई इसको पकड़ते हैं। 3 चिप वहां से मिली है जहाँ पे हम लोगों ने रेड क्रिमिनल को मारा था, वहां पे डब्बे से अपडेट वाले थे। ओके, यहाँ पे काफी अच्छा हेडशॉट और ये बंदा भी नॉक एंड फिनिश। तो इसके साथ 7 किल डन हो चुके हैं भाई, बुया लेना इस लॉबी के अंदर, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल आजकल हो जाता है, पता नहीं क्या सीन है। इसके लिए भाई रशर भी चाहिए होते, सर्वाइवर से सिर्फ काम नहीं होता। अगर आप लोग 13-14 इवन मैंने तो 23 किल्स करे थे कल भाई, उस गेम में भी बुया नहीं कर पाए, तो देख सकते हो कितना अनलकी रहता है भाई, लास्ट पे आपके स्क्वाड का बुया कोई और ही ले जाता है, वो भी इतने ज्यादा किल्स करने के बाद। दो बंदे हैं जी, बाइक फाड़ दिए मैंने इसकी और एक को तो डैमेज कराया है। इसके ऊपर रश नहीं करेंगे, इसका वेट करेंगे कि ये हम लोगों पे रश करे, बट ये बंदा आया है और इसने यहाँ पे शायद टीममेट को नॉक एंड फिनिश दे दिया था, लेकिन हम लोग भाई इसका पीछा नहीं छोड़ते, इसको पकड़ेंगे। ओके, 2 शॉट भाई, लेवल 2 का वेस्ट इसने तो तबाही मचा दिया भाई। ले जी, रश कर रहा है, 7-8 HP बची है, सुपर मेडिकेट मार लेते हैं। अरे काम चेक करो, क्या इसको सुकून नहीं था भाई, इसको मार ही लेना अच्छा रहेगा। चलो, इसको हम लोगों ने कंफर्म यहाँ पे कर दिया था, तो 8 के लिए यहाँ पे हमारे डन हो जाते हैं। लेजेंड को यहाँ पे टीममेट रिवाइव करा देता है, अभी भी 20+ बंदे अलाइव है।
हमने यहाँ पे दो बंदे बाइक पे आए थे भाई, उनमें से एक ही मारा था, तो दूसरा मुझे लग रहा था कि शायद यहाँ पे है, लेकिन बहुत ज्यादा ढूंढने के बाद वो बंदा नहीं मिलता। तो सामने दिल की साइड चलते हैं और वहां पे एक बंदा नजर आता है जो कि सामने की साइड जा रहा है। एम लेके मारेंगे इसको भाई आराम से। ले जी फ्लैश FF, यहाँ पे काफी स्कार के हेडशॉट अच्छे वाले खा के नॉक एंड फिनिश। तो 9 के लिए यहाँ पे डन, अभी भी 17 बंदे अलाइव हैं। और जोन की साइड चलते हैं, इस साइड से शायद छत के ऊपर एक बंदा जरूर है, बट वो नीचे उतरने वाला है नहीं। और हाँ गाइस, अगर आप लोग ये वीडियो YouTube पे देख रहे हो तो लाजमी से सब्सक्राइब करके बिल नोटिफिकेशन ऑल के ऊपर कर देना है और लाइक भी कर देना है साथ में। ओके भाई, क्या ही हेडशॉट लगे इस बंदे को भाई। इस बंदे को हम लोग नॉक करके सामने जा रहे होते, सामने वाला बंदे ने भाई क्या ही स्नाइपर के हम लोगों को शॉट मारे, बहुत ही गंदे वाले। तो ये बंदा हम लोगों को यहाँ पे नॉक एंड फिनिश दे देते हैं। तो इसके बाद टीममेट हम लोगों को जाके भाई जोन में करा देता है तगड़े वाला रिवाइव। ओके गाइस, यहाँ पे टीममेट ने रिवाइव करा दिया है, 10 किल डन है, 14 बंदे अभी अलाइव है। जोन चेक कर सकते हो कितना छोटा, और हर साइड पे भाई बंदे ही बंदे। तो क्या भाई हम इस लॉबी के अंदर भुया निकाल सकते हैं? तो एंड तक देखना है, मजा आएगा। सामने के साइड 2-3 बंदे, क्रिमिनल भी इसी साइड के ऊपर है, इसको पकड़ते हैं सबसे पहले। एक बंदा बाहर है। ओए क्या शॉट लगे भाई सनी को। तो इसको नॉक एंड फिनिश देने के बाद यहाँ पे सामने की साइड एक बंदा होता है, तो हम लोग ग्लू होल डाल के भाई आराम से एक सुपर मेडिकेट मारते हैं, उतने में अपना एक टीममेट है नॉक एंड फिनिश हो जाता है। तो भाई एक नहीं होता यहाँ पे, अपने टीममेट तीनों के तीनों नॉक एंड फिनिश हो जाते हैं अपने को जोन से पहुंचने से पहले। भाई यहाँ पे जैसे जोन में पहुंचते सामने एक बंदा होता है, इस कार से अच्छा डैमेज कराता हूँ और ये बंदा नॉक हो जाता है। ऊपर की साइड एक और क्रिमिनल होता है। ओहो ले जी, क्रिमिनल भी यहाँ पे नॉक, और इस ग्लू के पास जाता वो भी एक ही गोली से बचा है। तो इसके भाई हम लोग ग्लू होल तोड़ने की कोशिश करते हैं, पीछे से एक टीममेट नॉक हो जाता है और नंबर 2 बचे हैं हमारे अलावा, वो भी यहाँ पे नॉक एंड फिनिश। तो लास्ट प्लेयर हम लोग बचे हैं और सामने 1v5 है, 5 बंदे रहते हैं। एक बंदा तो ग्लू होल की साइड है, 11 किल डन है, इसका किल कन्फर्म कर लेते हैं। और क्रिमिनल भी वहाँ ऊपर नॉक पड़ा है। ले जी गया एजेंट, इसको हम लोगों ने 2-3 दफा, ओए 2-3 दफा पहले भी मारा है। 5 HP बची है, टोटल 2 बंदे बचे हैं। और यहाँ पे टीममेट बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थे कि यहाँ पे हम लोग बुइया ले जाएंगे, लेकिन भाई सीन ये हुआ कि टोटल 1 ग्लू होल थी अपने पास, 0 मेडिकेट थी। लेकिन हम लोगों ने शॉप से ले ली थी भाई 1-2 सुपर मेडिकेट, लेकिन ग्लू होल तो नहीं ले सकते भाई शॉप से। तो ये वाला सीन थोड़ा सा खराब हो गया, जिसकी वजह से भाई लास्ट मोमेंट में अगेन बुइया मिस कर दिया 14 किल के साथ। लेकिन भाई वही बोल रहा था शुरू में, सर्वाइवर के साथ भी कुछ नहीं होता, एक अदर रशर हो जो भाई आपको पुश करा दे, मतलब कि अच्छा खेले आपके साथ, आप पुश तो नहीं बोलूंगा इतना कि आपका साथ दे और आप दो दो मिल के रश करें सामने वालों की साइड। क्योंकि आजकल भाई रैंक सीजन स्टार्ट है, तो हर बंदा पूरा स्कॉर्ड लेके घूम रहता है, तो एक बंदा एक को नॉक कर दे, 2 को 3 को भी नॉक कर दे, तो चौथा मार देता है। भाई ग्लू होल थी नहीं यहाँ पे मेडिकेट लगाने के लिए बैठे, तो फ्लैश ने हम लोगों को मार दिया और इसको हम लोग 2-3 दफा पहले मार चुके हैं। बट कोई ना, अभी की वीडियो के लिए इतना ही, लाइक एंड रिपोस्ट मार देना, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।